हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रसोई घर। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे राजस्थान की फेमस डिश गट्टा पुलाव, जो खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो फ्रेंड्स, इस गट्टे पुलाव की रेसिपी यदि आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो देख लेते हैं, इस पुलाव को बनाने के लिए हमें किन किन सामान की आवश्यकता होगी। तो गट्टा पुलाव बनाने के लिए हम पहले गट्टे बना लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने 1 कप बेसन लिया है, नमक लेंगे स्वाद अनुसार, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर है, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच मैंने अजवाइन लिया है, 1/4 चम्मच मैंने बेकिंग सोडा लिया है और 1 चम्मच मैंने तेल लिया है और थोड़ा सा पानी की जरूरत होगी हमें। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो अभी मैंने आपको केवल गट्टे की सामग्री ही बताई है, पुलाव की सामग्री मैं आपको गट्टे बनाने के बाद बताऊंगी। तो सबसे पहले हम एक थाली में बेसन डाल लेते हैं और सारे मसाले इसमें डाल देंगे, नमक, लाल मिर्च का पाउडर, तो इसे आप तीखा या फीका आप अपने स्वाद अनुसार रख सकते हैं, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालेंगे इसमें, अजवाइन, थोड़ा सा इसमें हम तेल डाल देंगे मौन के लिए और इन सबको अच्छे से मिक्स करके हम पानी से इसका एक डो बना लेंगे। डो को हम थोड़ा सख्त ही रखेंगे। तो फ्रेंड्स, इसका डो बनाने के लिए बहुत से लोग इसमें दही का भी उपयोग करते हैं, तो यदि आप चाहें तो दही या छाछ से भी इसका डो लगा सकते हैं, लेकिन मैं पानी से ही इसका डो लगा रही हूँ। तो थोड़ा थोड़ा हम पानी डालते जाएंगे और इसका एक डो तैयार कर लेंगे। तो पानी कम ही डालें, नहीं तो बेसन बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है। तो इसका मैंने एक सख्त डो बना के तैयार कर लिया है और एक तरफ मैंने गैस पे पानी भी गर्म करने के लिए रख दिया है कढ़ाई में। तो इस तरह से हम रोल रोल करते हुए इसके गट्टे बना लेंगे। तो देखिए, इस तरह से मैंने लंबे लंबे इसके गट्टे तैयार किए हैं। तो बड़ी आसानी से बन जाते हैं। इस तरह से मैं सारे गट्टे बना के तैयार कर लूँगी। तो देखिए, मैंने सारे गट्टे बना के यहाँ तैयार कर लिए हैं और पानी भी हमारा गर्म हो चुका है। तो अभी इस गर्म पानी में हम सारे गट्टे डाल देंगे। तो पानी अच्छा उकलता हुआ ही ले आप। तो सारे गट्टे मैंने इसमें डाल दिए हैं और इन्हें अच्छे से बॉईल होने देंगे। तो जब गट्टे हमारे अच्छे से बॉईल हो जाएंगे तो वो अपने आप ही ऊपर तैरने लगेंगे। तो देखिए, इस समय ये गट्टे ऊपर आ गए हैं तैर के, मतलब ये गट्टे अच्छे से बॉईल हो चुके हैं और थोड़े फूल भी गए हैं। तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इन गट्टों को एक परात में निकाल के हम ठंडा होने के लिए रख देंगे और ये ठंडे हो जाएंगे। इसके बाद हम इन्हें काट के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने गट्टे काट के तैयार कर लिए हैं और अब मैं आपको पुलाव बनाने की सामग्री बताती हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कटोरा बासमती राइस लिया है और मैंने इसे बॉईल करके रखा हुआ है। 1 प्याज लेंगे लंबे पीसेस में काटा हुआ, थोड़ा सा हम लेंगे हरी मटर के दाने, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, नमक लेंगे स्वाद अनुसार, 1/2 चम्मच जीरा है, 2 छोटे चम्मच तेल का लिया है, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर है और थोड़ी सी मैंने किशमिश ली है और 8-10 काजू के पीसेस है। और यहाँ पर मैंने 1 तेज पत्ता लिया है, थोड़ी सी मैंने शिमला मिर्च की कटिंग ली है और 7-8 मैंने काली मिर्च ली है, 5-6 लौंग ली है और गरम मसाला लिया है और थोड़ा सा टुकड़ा दालचीनी के है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गैस चालू करके गैस पे कढ़ाई रख देंगे और इसमें ये तेल डालेंगे। तो यदि चाहे तो आप इसका बघार आप घी में भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं तेल में ही लगा रही हूँ इसको। तेल को हम गरम होने देते हैं और अब हम ये काली मिर्च इसमें डाल देंगे। तो काली मिर्च थोड़ी सी फ्राई होने के बाद हम इसमें लौंग डाल देंगे। तो जो भी आप खड़े मसाले लेना चाहे वो इसमें डाल सकते हैं। अब मैं इसमें जीरा डालूंगी, तेज पत्ता इसमें डाल देंगे, जो दालचीनी के टुकड़े लिए हैं वो भी हम इसमें डाल देंगे और यहाँ शिमला मिर्च की थोड़ी सी शिमला मिर्च को मैंने काट रखा है वो डालूंगी। यदि आप हरी मिर्च डालना चाहे तो आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं काट के। और इसे कुछ देर हम चला लेंगे।
और अब मैं इसमें प्याज डाल दूंगी। तो प्याज को मैंने लंबा लंबा काटा है। तो थोड़ा सा चला लेंगे हम प्याज को। तो प्याज थोड़े से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें ये हरी मटर के दाने डाल देंगे। तो हरी मटर के दाने सभी पुलाव में बहुत अच्छे लगते हैं। और इसी के साथ मैं इसमें काजू और किशमिश दोनों डाल दूंगी। तो आप अपने स्वाद अनुसार और भी ड्राई फ्रूट इसमें यूज़ कर सकते हैं। और इनको कुछ देर चला लेंगे हम। तो फ्रेंड्स, मटर चटकने लग जाती है, इसलिए हम थोड़ा सा इसको कवर कर देंगे और कुछ देर के लिए ऐसे ही रहने देंगे हम, ताकि हमारे मसाले भी अच्छे से पक जाए। तो ये देखिए, कुछ देर में मटर भी फ्राई हो चुकी है और सारे जो मसाले इसमें डाले थे वो भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देते हैं, लाल मिर्च का पाउडर। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। और अब हम इसमें ये चावल डाल देंगे। तो इसके लिए आप चावल अच्छा क्वालिटी का ही लें, वो अच्छा खिला खिला बनता है। और अब इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे हम। तो इसमें हमने हल्दी ज्यादा नहीं डाली है, क्योंकि इसका बहुत डार्क कलर अच्छा नहीं लगता है। अच्छे से चला लेंगे। तो अभी आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी चीनी भी ऐड कर सकते हैं, उसका टेस्ट भी अच्छा लगता है इसमें। और अब हम इसमें ये गट्टे डाल देंगे जो हमने बना के रखे हुए हैं। मिक्स करेंगे हल्के हाथों से। नमक भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो नमक डालते समय आप ध्यान रखें फ्रेंड्स, क्योंकि चावल को पकाते समय भी नमक डलता है और गट्टों में भी नमक है, इसलिए आप नमक ध्यान से डालें इसमें। और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। तो कुछ देर के लिए इसे कवर कर देंगे, ताकि पुलाव में सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए और एक अच्छी सी खुशबू आ जाए पुलाव में। तो कुछ देर के बाद हम देखेंगे हमारा पुलाव बन करके रेडी है। और अब हम इसमें गरम मसाला डाल के और मिला देंगे और गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। एक बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है इस पुलाव में से। तो ये सर्व करने के लिए तैयार है। तो एक प्लेट में मैंने इसे सर्व किया है। बहुत ही टेस्टी और दिखने में बहुत ही अच्छा पुलाव बन करके तैयार है। यदि आप चाहें तो इसमें अनार के दाने डाल सकते हैं, अंगूर डाल सकते हैं। आप अपने स्वाद अनुसार इसमें